गुड इवनिंग आज की क्लास में आपका स्वागत है आ, हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल राइट right के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए जो फंडामेंटल राइट right हमारा चल रहा था उसी को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं देखिए हम लोगों ने जहाँ पर कल क्लास को छोड़ा था वहीं से हम आगे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हम कल इस बात पर विचार कर रहे थे कि स्टेट की परिभाषा में क्या आता है तो क्या जुडिशियरी स्टेट की परिभाषा में आती है या नहीं आती है तो जुडिशियरी स्टेट की परिभाषा में आती है या नहीं आती है इट इज द वाइटल इशू वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर हम आर्टिकल 12 को समझने की कोशिश करें जिसमें स्टेट की परिभाषा को डिफाइन किया गया है तो आर्टिकल 12 में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जुडिशरी स्टेट की परिभाषा के भीतर आती है जुडिशियल फंक्शन को हम दो पार्ट में बांटते हैं एक जुडिशियल फंक्शन दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जुडिशियल फंक्शन स्टेट की परिभाषा में नहीं आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन स्टेट की परिभाषा में आता है तो जब आप स्टेट के अंदर जुडिशरी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप जुडिशियरी के दो पार्ट को समझने की कोशिश करें एक जुडिशियल फंक्शन दूसरा नॉन जुडिशियल मीनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो जुडिशियल फंक्शन है जुडिशियरी का वह स्टेट की परिभाषा में नहीं आता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जुडिशरी का वह स्टेट की परिभाषा में आ जाता है यह ओपिनियन बनती कैसे है हम यू एस के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर इस बात को कंपेयर करने की कोशिश करें तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट में वह एक जो डिसीज़न देता है अगर वह डिसीज़न कंसिस्टेंट नहीं है विथ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट If in the, in, the, in the United States, any decision given by the highest court, if the highest court in the state, in the U.S. gives a decision which is not consistent with any of the fundamental rights or any of the provisions of the U.S. Constitution, then what is the remedy? Remedy is to file a petition of certiorari in the U.S. Supreme Court. यह सिचुएशन इंडिया में नहीं है इंडिया में जुडिशियरी यूनिटरी है इसलिए ऑल डिसीजन ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल इन कंट्री आर सब्जेक्ट टू अपील इनटू द सुप्रीम कोर्ट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की परिभाषा है उसमें जुडिशरी शामिल हो जाती है इंडिया में यह शामिल नहीं होती है तो एक और इशू क्या आ गया जुडिशियरी स्टेट का पार्ट है या इस्टेट का पार्ट नहीं है तो भारत में जुडिशियरी को हम दो भाग में बांट के देखते हैं वन पार्ट इज द जुडिशियल फंक्शन सेकेंड पार्ट इज द नॉन जुडिशियल फंक्शन मीनिंग देर बाई द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द नॉन जुडिशियल फंक्शन मीनिंग बाई द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज द पार्ट ऑफ द स्टेट But the judicial function is not part of the state. The America does not have this situation. Hope it is clear. Kisi ko confusion hai? Economic liberalization and fundamental right. There is a long struggle of economic liberalization versus fundamental right. The whole attempt of Mrs. Gandhi. इन द इरा ऑफ द सिक्सटीज एंड सेवेंटीज वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द इकोनॉमिक लिबरालाइजेशन इसलिए जो इकोनॉमिक लिबरालाइजेशन इंडिया में है वह ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद देर आर सर्टिन इशूज विथ रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट तो जो फंडामेंटल राइट है अगर ये प्राइवेट इंटरप्राइज को वायोलेट करता है अब जो फंडामेंटल राइट right है अगर वह प्राइवेट इंटरप्राइज को वायलेट करता है तो क्या होगा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और इकोनॉमिक प्रोसेस है देर इज अ टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट एक का संबंध है पॉलिटिकल प्रोसेस से एक का संबंध है इकोनॉमिक प्रोसेस से इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट विल डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल प्रोसेस यरफुली एन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट डिपेंड्स अपॉन पोलिटिकल प्रोसेस देन ऑन द कोर्ट्स अगर जो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स है वह डिपेंड करता है मोर और मोर ऑन द पॉलिटिकल प्रोसेस देन ऑन द कोर्ट्स अब आपका एक बहुत अच्छा सवाल बन गया आपके मेंस के लिए कि अगर आपको अपनी ओपिनियन लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस जो फंडामेंटल राइट right का इन्फोर्समेंट है वह एक पॉलिटिकल प्रोसेस से ज्यादा डिटरमाइन होता है कोर्ट। कोर्ट उनको करने के लिए अवेलेबल जरूर हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस से उनका इन्फोर्समेंट बेहतर होगा और आसान होगा इसीलिए जो आर्टिकल फोर्टीन को अगर हम देखें तो वह अवेलेबल है, है लीगल पर्सन को भी पर्सन को भी और कुछ फंडामेंटल राइट right जो अवेलेबल होते हैं सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन को भी अगर हम आर्टिकल थर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें वह दो तरह की बात करता है वन लॉ विच वेयर ए वन सेट ऑफ लॉज विच वेयर अर्लियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड लॉज म इन टू द एग्जिस्टेंस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको हम किस तरह से बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इसको हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो जो हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूशन है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यह हमारे एक सिस्टम को किस तरह से डिफाइन करते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कब इनवैलिड होगा If you read Article 13, one section is dealing with the pre-constitution law, one section is dealing the post-constitution law. The pre-constitution law is invalid hoga? only to the extent they fall in the category laws in force. The pre-constitution law hai, shall be invalid only to the extent they fall within the category of laws in force. जो एक अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज है डू नॉट फॉल विद इन दैट कैटेगरी इफ यू रिमेंबर माय स्टडी लेक्चर आई हैव टेकन दिस इशू तो जो अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज हैं वह इस कैटेगरी में नहीं आते हैं जो एग्जिस्टिंग लॉ है अगर आप संविधान का अनुच्छेद तेरह का क्लॉज वन पढ़िए यह डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से Or clause 3b gives an in inclusive definition of laws in force. So there is two concepts here. Article 13.1 deals with the pre-constitution law. Or, jo clause 3b gives an inclusive definition of law in force. They become void only after the court holds them inconsistent with the fundamental rights. जो क्लॉज ए है वह डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जिस्टिंग लॉ से डी प्री कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जिस्टिंग लॉ से और क्लॉज थ्री भी देता है एक इंक्लूसिव डिफिनिशन ऑफ लॉ की यह तभी यह तभी होंगे अनकॉन्स्टिट्यूट कोड उनको इन कंसिस्टेंट डिक्लेयर करेगा दूसरी बात कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेटिंग फंडामेंटल राइट्स हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सारा का सारा इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव आएगा देयर फोर वह कब वह कब वायड वह, वह कब वो अनकॉन्स्टिट्यूशन होंगे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो भी एक्ट किया गया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा क्लियर हुआ हो नहीं हुआ क्लियर हुआ नहीं हुआ किसको क्लियर नहीं हुआ हु हैज द प्रॉब्लम विद दिस किसको क्लियर नहीं हुआ है देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल थर्टीन वन रिफर करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आर्टिकल थर्टीन टू रिफर करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से ए लॉ इज वॉइड इफ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट अब उसके कुछ एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं जो एक प्रोपोजिशन है कि आर्टिकल थर्टी वन डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आर्टिकल थर्टीन टू डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से और कोई भी लॉ वॉइड कब होगा जब फंडामेंटल राइट्स को वह वॉयलेट करेगा यह जो प्रीपोजिशन है इसके कुछ फ्यू एक्सेप्शन हैं। कुछ फंडामेंटल राइट जो अप्लाई करते हैं टू ऑलर्सन्स सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स कुछ ऐसे हैं जो अप्लाई करते हैं सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन आर्टिकल 14 एंड 21 वह आर्टिकल 14 21 और 19 अप्लाई करते हैं सिटीजन से एक जो एक लॉ जो इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट right से जो लॉ अप्लाई करता है टू ऑल पर्सन सिटीजन एंड सिटीजन तो ए लॉ इनकिसनल राइट ऑफ द फॉर्मर टाइप मीन ए फंडामेंटल राइट अप्लाई टू ऑल सिटीजन एज वेल तो जो इस तरह के राइट हैं उन राइट के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा दूसरा आर्टिकल थर्टी वन प्रोस्पेक्टिव होगा रेड रिप्रोस्पेक्टिव होगा ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वह आर्टिकल थर्टीन वन से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमारे सामने आ रही है एक जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वह इनकंसिस्टेंट होगा विथ फंडामेंटल राइट बट वॉज नॉट वाइप्ड ऑल टूगेदर फ्रॉम द स्टेच्यूड बुक आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू अगेन लिसन दिस लाइन देन आई विल एक्सप्लेन यू एक जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है जो फंडामेंटल राइट right से इनकंसिस्टेंट है यह स्टैच्यूट बुक में लिखा रहेगा इवन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यह एग्जिस्ट करता रहेगा यह डॉर्मेंट अवस्था में रहेगा और जैसे ही रेलिवेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जाता है तो जो ये डिफेक्ट है वह रिमूव हो जाता है और वह शेडो हट जाता है उससे क्या होता है यह अप्लाई हो जाता है इट्स क्लियर नॉट क्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई होता है ओनली फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यह अप्लाई नहीं होगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे जिसको क्लियर ना हो जरूर लिखो बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट और इस पर सवाल आने की बहुत गुंजाइश है तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नहीं लगता है पॉइंट नंबर टू अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी कारण से फंडामेंटल राइट right के से इनकंसिस्टेंट है और वह डिफेक्ट रिमूव कर दिया जाता है तो वह ऑपरेटिव हो जाता है गॉट इट और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 31 और 132 को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है और जो आर्टिकल 132 है विच अप्लाइज द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज प्रोहिबिट्स द मेकिंग ए लॉ एब्रिजिंग द फंडामेंटल राइट अगर आप आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132 को पढ़ें तो आर्टिकल थर्टीन वन बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने के पहले थे आर्टिकल थर्टीन टू बात करता है उन लॉज से जो कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद आए हैं तो अगर हम इसको रफली समझने की कोशिश करें तो 1950 को आप मान लो कि 1950 के पहले के कानून 1950 के बाद के कानून तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है 1950 के पहले के कानून पर लगता है 1950 के बाद के कानून पर नहीं लगता है तो 1950 के पहले का जो कानून है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होने के कारण ऑपरेटिव नहीं है अगर वह डिफेक्ट दूर कर दिया जाए जिसके कारण वह इनकंसिस्टेंट था तो वह ऑपरेटिव हो सकता है यह सुविधा 1950 के बाद के कानूनों पर मतलब संविधान के लागू होने के बाद के कानूनों पर उपलब्ध नहीं है क्लियर? तो जो आर्टिकल थर्टीन टू है जो डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वो प्रोहिबिट करता है किसी ऐसे कानून को बनाने से जो फंडामेंटल राइट right को वायलेट करता है आप लोग लिखते जाइए समझ में आ रहा है इसमें थोड़ा आराम रहता है आर्टिकल थर्टीन वन चूंकि अप्लाई करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इसलिए अगर डिफेक्ट दूर कर दिया जाए तो वह ऑपरेटिव हो सकता है लेकिन जो संविधान बनने के बाद के जो कानून बने हैं उसमें ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट right को कॉन्ट्रोवीन करे जो कानून जो फंडामेंटल राइट right है लिमिटेड टू सिटीजेंस ओनली इट विल ऑपरेट विद रिस्पेक्ट टू द नॉन इन केस ऑफ द लॉ कॉन्ट्रोवींस फंडामेंटल राइट लिमिटेड टू सिटीजन टू सिटीजन ओनली इट विल ऑपरेट विद रिस्पेक्ट टू द नॉन सिटीजेंस Yeah, बहुत अच्छा सवाल बन गया अगेन आर लिसन केयरफुली इन केस द लॉ कॉन्ट्रावीन द फंडामेंटल राइट लिमिटेड टू द सिटीजन ओनली। इट विल ऑपरेट विद रिस्पेक्ट नॉन सिटीजन गॉट इट आर्टिकल थर्टीन टू जो है वह क्या कर रहा है वह अफेक्ट कर रहा है कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर टू इनेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन आर्टिकल थर्टीन टू जो बोलता है कि कोई ऐसी विधि आप नहीं बना सकते हो जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है अगर आप सिटीजन से संबंधित कोई ऐसी विधि बनाते हो जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आर्टिकल थर्टीन टू एफेक्ट करता है ऑफ़ द लेजिस्लेचर टू टू इनेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू टू दिटिजन एंड द लॉ विल हैव टू बी after the constitutional amendment if it desire to operate with the citizen. अगर आप चाहते हो कि वह कानून उस डिफेक्ट को दूर करे तो आप अमेंडमेंट मत करो आप पूरे के पूरे कानून को री इनेक्ट करो यही सवाल आपके फिल्म में आएगा कि अमेंडमेंट होना चाहिए या होना चाहिए अगेन लिसन केयरफुली जो आर्टिकल के थर्टीन टू है वह कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेचर की बात करता है आर्टिकल थर्टीन सिंपल सी बात करता है कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट right को इनफ्रिंज कर रहा हो वॉलेट कर रहा हो तो इसलिए इसलिए यह बात करता है कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेचर की तो अगर आपने कोई ऐसा कानून बनाया जो फंडामेंटल राइट right को वॉलेट कर रहा है तो आप उसको अमेंड करके उस डिफेक्ट को दूर नहीं कर सकते हो आपको पूरा का पूरा इनेक्टमेंट करना पड़ेगा यही सवाल आएगा डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द अमेंडमेंट और देर इज ए नीड टू बी ए कंप्लीट इनैक्टमेंट क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट कोई ऐसा एक्ट जो डिक्लेयर कर दिया जाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू टू आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन थर्टी वन वह रिवाइव कर जाएगा अगर उसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए कम से कम मैं 100 आपके प्रिलिम्स के और कम से कम दस से 15 मेंस के क्वेश्चन बनाता हूं तब मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करता हूं अगर आप केयरफुली इस लेक्चर को सुनेंगे आपको 100 से कम प्रम का सवाल नहीं दिखेगा अगर कोई ऐसा एक एक्ट एक या कानून बनाया जाए बनाया गया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया हो बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन और थर्टी वन टू वह रिवाइव कर जाएगा अगर आप उसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल देंगे एज सुन एज पुट एनी लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल इफ इट इज इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट विल रिवाइव अगर हम एक्सप्रेस वर्ड आर्टिकल थर्टी वन बी का पढ़ें तो वह बोलता है कि यह ऑपरेशनलाइज कैसे कर देता है जो एक प्री जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इज हेल्ड कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट कांट बी रिवाइव बाय अमेंडिंग एक्ट आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कांट बी कांट बी रिवाइव बाय द अमेंडिंग एक्ट इन कैन बी रिवाइव ओनली एंड ओनली बाय री अगर आपके फिलिम्स में आता है आप इसको गलत मत मत कर, कर दीजिएगा अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होप इट इज क्लियर अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आप अगर अपने अपने अगर, अगर एक्ट का आर्टिकल थर्टीन देखें तो उसमें आपको दो शब्द दिखेगा जहां से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आ रहा है उस शब्द का है टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रोवेंशन थर्टीन वन की लाइन नंबर तीन देखिए टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकिस्टेंसी थर्टीन की लाइन थर्टीन टू की लाइन नंबर थ्री देखिए एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन मिल गया आर्टिकल थर्टीन वन और थर्टीन टू का लाइन नंबर वन लाइन नंबर टू देखिए सॉरी लाइन नंबर थ्री थर्टीन वन में जो लाइन नंबर थ्री है उसमें सॉरी लाइन नंबर फोर टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी और आप थर्टीन टू का लाइन नंबर थ्री देखिए टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रोवेंशन इन दोनों शब्दों से लॉ ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वह हमारे सम्मुख उपस्थित होती है लॉ ऑफ सेवेबिलिटी क्या है जो कानून बनाया जाएगा वह उसी एक्सटेंट तक उसी सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकार से इनकंसिस्टेंट है या मूल अधिकार को कॉन्ट्रोवीन कर रहा है आई एम अगेन रिपीटिंग यह दो शब्दों से लॉ ऑफ सेवरिटी पृथककरण का सिद्धांत हमारे सामने आता है यह सिद्धांत क्या बोलता है अगर कोई कानून बनाया गया तो वह सिर्फ उस सीमा तक शून्य घोषित किया जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकार से असंगत है या मूल अधिकार के विरोध में है इसका मतलब क्या हुआ पूरा कानून शून्य नहीं होगा कानून सिर्फ असंगतता की सीमा तक ही शून्य होगा यू वॉन्ट टू मी रिपीट अगेन और इट्स क्लियर इट्स क्लियर आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन देखिए अपने को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ओनली आई वॉन्ट वेन यू गो बैक होम यू हैव द क्लियर हेड कोई भी इशू बाकी नहीं रह जाए दूसरा आप लोग क्लास में आइए तो पिछला लेक्चर सुन गए बिकॉज क्या है कई बार लेक्चर इंटरवोम होते हैं मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग लेक्चर के स्टैंडर्ड को ऊपर लेके चल रहे हैं आम आम तरह की पढ़ाई से सिविल सर्विसेज नहीं हो सकता है जो एक परंपरागत पढ़ाई जो हर जगह होती है उससे आई नहीं हो सकते हो आप लोग आई होने के लिए एक एनालिसिस की अप्रोच लेने की आवश्यकता है तो जो ऑफ ऑफरेबिलिटी है या जो पृथककरण का सिद्धांत है उसके क्या क्या प्रोपोजिशंस हैं क्या क्या उसके मूल अवयव हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो जन्म हुआ है वो आर्टिकल 13 के दो शब्दों से हुआ है एक शब्द है टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी और दूसरा शब्द है टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रोवेंशन अगर कोई कानून पास किया गया वह कानून उसी सीमा तक शून्य घोषित किया जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकार से असंगत है या मूल अधिकार का विरोधी है इसका मतलब क्या हो गया पूरा का पूरा कानून शून्य नहीं होगा उस कानून का सिर्फ वह भाग शून्य होगा जो मूल अधिकार से असंगत है या मूल अधिकार का विरोधी है तो यह प्रोपोजिशन क्या बोलता है लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है जो कानून है उसमें वैलिड और इन पार्ट को सेपरेट किया जा सके अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता तो पूरा कानून इनवैलिड हो जाएगा पॉइंट नंबर टू अगर वैलिड और इनवैलिड प्रोविजन इस तरह से मिक्सडअप हो गए हैं कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता उनको अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा एक्ट इनवैलिड हो जाएगा तो दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं अगर वो डिस्टिंक्ट और सेपरेट नहीं है तो वह पूरे के पूरे इन्वेल्ड हो जाएंगे अगर वह डिस्टिंक्ट और सेपरेट हैं तब भी अगर वह डिस्टिंग और सेपरेट है तब भी अगर वह अलग अलग है तब भी उसके बाद भी इनवैलिड हो जाएंगे अगर वह एक स्कीम के एक कॉमन स्कीम के पार्ट हैं जिसमें कि पूरे, पूरे के पूरे कानून को एज ए होल ऑपरेट करना है तब इनवैलिडिटी पूरे के पूरे कानून की हो जाएगी इसलिए अगर वह एक स्कीम का पार्ट होने के बावजूद अगर 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 एक स्कीम का अगर वह अलग अलग किए जाने के बावजूद तो अगर एक स्कीम का पार्ट है और उस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है तब वह इनवैलिड हो जाएंगे अगर दोनों को अलग करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है एक अलग किया हुआ भाग बहुत ही छोटा सा है तब भी वह स्कीम शून्य घोषित करी जाएगी गॉट इट तो सेवरेबिलिटी ऑफ वैलिड एंड इन वैल प्रोजर ऑफ द इंस्टीट्यूट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द प्रोजर इन एक्ट इन द सेम सेक्शन और डिफरेंट सेक्शन वो सेम सेक्शन में है डिफरेंट सेक्शन में है अब सवाल क्या हो गया वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ what is the concept of doctrine of Inseverability? please elaborate the circumstances when a law will not be invalid. what do we mean by the term to the extent of the contravention? what do we mean by the term to the extent of the contravention? हाउ ए लॉ कैन बी सेव इट इज इन द इंस्टेच्यूट बट नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट देखिए यह सवाल बहुत संभावना है आने की यह सवाल के आने की बहुत संभावना है इसलिए आपको इसको तैयार करना आवश्यक है आवश्यक है किसी को दिक्कत है नेक्स्ट है वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट क्या हम फंडामेंटल राइट right को त्याग कर सकते हैं अब इसको समझने के लिए हम इसको दो कर... जितनी भी आपको कॉन्सेप्ट मेजर कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट से ड्राइव की गई है यह आपके किताबों में उतनी नहीं मिलती जो आप पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट से मैंने ड्राइव की है कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं तो जो हमारा फंडामेंटल राइट right है क्या इसको हम त्याग सकते हैं तो फंडामेंटल राइट right को हम दो बड़े बड़े कैटेगरीज में देख सकते हैं एक राइट कन्फरिंग बेनिफिट्स ऑन द इंडिविजुअल्स दूसरा दोज राइट कन्फरिंग बेनिफिट्स ऑन द जनरल पब्लिक अब जो राइट right है इसके इन्फ्रिंजमेंट पे क्या हम इस राइट right को एक्सरसाइज करने का अख्तियार कर सकते हैं अगर हम इस बात को देखें कि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन क्या है तो उन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह मीयरली इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए ही नहीं है इसलिए डीज राइट यह राइट जो है एक पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है इसकी अप्लीकेबलिटी नहीं होती है तो भारत में फंडामेंटल राइट right को वेव नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 14 को आप विवेव नहीं कर सकते हो क्यों यह मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है तो यह एक स्टेट का ऑब्लिगेशन है इसको प्रोटेक्ट करने का तो यह पब्लिक पॉलिसी है किसी आदमी के पास यह अधिकार नहीं है ही कैन वेव द फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स आर मैंडेटरी ऑन द स्टेट एंड नोट सिटीजन कैन बाय हिज एक्ट और कंडक्ट रिलीव इट तो यह ड्यूटी है जुडिशियरी की कि वह फंडामेंटल राइट right को प्रोटेक्ट करे तो यह स्टेब्लिश प्रोवेश प्रोविजन है कि फंडामेंटल राइट right को वेव नहीं किया सकता लेकिन अमेरिका में फंडामेंटल राइट right को वेव किया जा सकता है तो यह हो गया फंडामेंटल राइट right के वेवर और नॉन वेवर को लेट्स कम ऑन द सेकेंड कॉन्सेप्ट कि हमारे फंडामेंटल राइट right के क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट right में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं तो जो हमारा फंडामेंटल राइट right है उस फंडामेंटल राइट right के एक्सेप्शंस क्या हैं अगर आप संविधान के आर्टिकल 31 ए 31 बी 31 सी 31 डी को देखें तो सवाल में क्या लेके आ रहा हूं एक्सेप्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट अगर हम आर्टिकल 31 ए आप लिखिए 31 ए ये बात करता है लॉ ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म आर्टिकल थर्टी वन सी लॉ फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो जो हमारा संविधान का थर्टी वन ए थर्टी वन बी थर्टी वन सी थर्टी वन डी है अगर आप बेयर एक्ट खोलें आपको चारों दिख जाएंगे आप बेयर एक्ट खोल लीजिए थोड़ा सा समझने में और आसानी होगी तो आर्टिकल 31 ए 31 बी 31 सी 31 डी ये चारों एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट हैं। जैसे ही सवाल आपको आता है एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट आपके दिमाग में थर्टी वन ए थर्टी वन बी थर्टी वन सी थर्टी वन डी आ जाना चाहिए थर्टी वन ए अगर आप पढ़ें तो ये बेसिकली बात करता है एक एग्रिगेरियन रिफॉर्म की यह कृषि सुधार के बारे में बात करता है थर्टी वन सी अगर आप पढ़ें बात करता है जो डायटिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने की बात करता है जो हमारे पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है इनको कोई भी कोर्ट इनवैलिडेट नहीं कर सकती है चूंकि आर्टिकल फोर्टीन और नाइनटीन का वायोलेशन करते हैं गॉट इट आर्टिकल थर्टी वन बी अच्छा ओके ओके विनाश सिंह यस इट पॉइंट आर्टिकल थर्टी वन बी ऑफर्स द कंप्लीट एक्सेप्शन टू ऑल फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट थ्री अगर वह नाइन्थ शेड्यूल में चला गया है इफ एनी इनैक्टमेंट इज इन द नाइन्थ शेड्यूल विच इज टू रीड विदर्टिकल थर्टी वन बी वह भी अपने आप से मुक्ति पा जाता है तो यह जो चार थर्टी वन ए थर्टी वन बी थर्टी वन सी थर्टी वन डी है यह चार ऐसे फंडामेंटल राइट right हैं जो एक्सेप्शन की बात करते हैं सवाल क्या है संविधान में मूल अधिकारों के संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में क्या क्या अपवाद लिखित हैं वॉट आर द एक्सेप्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट तो 31A, 31B, 31C, 31D ये चार एक्सेप्शन हैं जो फंडामेंटल राइट right के वायलेशन के बावजूद भी सरवाइव कर जाएंगे 31 ए एग्रीगेरियन रिफॉर्म की बात करता है 31 सी वह राज्य के नीत निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन में बात करता है और 31 बी बात करता है जो नाइन्थ शेड्यूल में किसी लॉ को डाल को डाल देने से वह अपने आप में रिवाइव कर जाता है तो यह बट शैल बी ओपन लेकिन यह जो रिवाइबल है थर्टी वन बी बात करता है शैल बी इम्यून फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बट शैल बी ओपन टू चैलेंज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन यह चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ तिहत्तर के बाद यह न्यायालय में इस आधार पर चैलेंज हो सकते हैं कि यह संविधान की मूल संरचना का अतिक्रमण कर रहे हैं इस पर थोड़ा हम लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं क्योंकि यह सवाल बहुत कठिन सवाल है और इसको समझने में वक्त लगता है हम पहले बात करते हैं एक्सेप्शन की 31 ए 31 बी 31 सी 31 डी यह संविधान में चार एक्सेप्शन हैं इसके तहत अगर कोई कानून बनता है तो वह इस आधार पर शून्य घोषित नहीं होगा कि वह आर्टिकल 14 और 19 का वॉलेशन करता है 31 ए बात करता है एग्रीग्रन रिफॉर्म की 31 बी बात करता है नाइन्थ शेड्यूल में किसी कानून को डाल देने के बाद की स्थिति की 31 सी बात करता है कि राज्य के नीत निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन पर क्या होगा लेकिन केशवानंद भारती के केस के बाद जो आया है 24 अप्रैल 1973 को यह जो 31 बी है यह इस आधार पर चैलेंज हो सकता है कि यह संविधान की मूल संरचना का अतिक्रमण कर रहा है गॉट इट यह 31 ए और 31 सी के साथ नहीं है यह 31 बी के साथ है किसको क्लियर नहीं हुआ किसको क्लियर नहीं हुआ एक और महत्वपूर्ण एक्सेप्शन भारत के संविधान में बयालीसवें संविधान संशोधन के पश्चात रूस के संविधान के मॉडल पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है अगर यह यह न्यायालय को दिखता है कि इस व्यक्ति ने अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया है अगर यह व्यक्ति को दिख जाए कि इस व्यक्ति ने अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो न्यायालय उसको मूल अधिकार देने से इनकार कर सकता है अगला एक्सेप्शन अगेन लिसन केयरफुली बयालीसवें संविधान संशोधन के पश्चात रूस के संविधान के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है जो पार्ट फोरे में है अगर किसी वादी के मामले के निस्तारण के समय न्यायालय को यह लग जाए इस व्यक्ति ने अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया है तो न्यायालय उसको मूल अधिकार देने से इनकार कर सकता है तो न्यायालय उसको मूल अधिकार देने से इनकार कर सकता है इट क्या क्लियर हुआ क्लियर हुआ नहीं हुआ राइट टू प्रॉपर्टी जो चौवालीसवां अमेंडमेंट था उस चौवालीसवें अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकालकर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट निकाल दिया है। आर्टिकल थर्टी वन बी जो है वह बात क्या करता है आर्टिकल थर्टी वन बी बात करता है कि अगर आपने किसी कानून को बनाया और उस कानून को जो भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची है उसमें डाल दिया तो वह फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बाद भी सरवाइव करेगा लेकिन केशवानंद भारती के, के केस के फैसले के आने के बाद जो आया है 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1973 को यस कौस्तुभ आई विल टेक ए लॉट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आई विल टेक ए कंप्लीट वन सेशन ऑन दैट यस आई विल डू दैट जो 24 अप्रैल 1973 में जो केशव भारती केस है उस केस में आने के बाद जो अनुच्छेद 31 बी है जो बात करता है कि अगर कोई कानून को नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया है तो उसको इस आधार पर शून्य नहीं घोषित किया जाएगा कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है वो न्यायालय में इस बात पर चुनौती दी जा सकती है कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के केस में आया था क्लियर हुआ आरती श्रीवास्तव नहीं क्लियर हुआ किसको क्लियर नहीं हुआ राइट टू प्रॉपर्टी चौवालिसवें संविधान संशोधन विधेयक के पश्चात राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट right से बाहर कर दिया गया फंडामेंटल राइट right से बाहर करके इसको एक अलग चैप्टर में डाल दिया गया और वहां पर वह बन गया एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right. तो जब आप पार्ट थ्री से किसी को निकालकर बाहर कर देते हो तो उस मूल अधिकार के उस अधिकार के उल्लंघन होने पर जो संविधान के अनुच्छेद 32 में एक संविधानिक उपचारों का एक प्रावधान है वह उस अधिकार के उल्लंघन होने पर प्राप्त नहीं होता है तो राइट टू प्रॉपर्टी को फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के द्वारा निकाल कर बाहर कर दिया गया और आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए बना दिया गया और आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में जाने का एक फर्क क्या आया कि अगर अब राइट टू प्रॉपर्टी किसी आदमी का इन्फ्लज होता है तो वह अनुच्छेद बत्तीस का सहारा लेके न्यायालय में नहा नहीं जा सकता है वह एक सामान्य प्रक्रिया के तहत न्यायालय की शरण ले सकता है तो चूंकि जो आर्टिकल थर्टी वन टू था जो राइट टू प्रॉपर्टी था वह वैनिश कर गया तो उसके बाद क्या है? एक, करता है अगर स्टेट एक स्टेट एक कंपल्स स्टेट अगर एक कंपल्सरी एक्वाइजेशन प्राव, करता है प्रॉपर्टी का उसके लिए क्या था इट मस्ट मेक ए लॉ सच लॉ मस्ट बी फॉर पब्लिक पर्पस एंड सम कंपनसेशन मस्ट बी पेड फॉर द ओनर यह पहले प्रावधान थे यह प्रावधान अब नहीं रह गए जब तक अनुच्छेद 31 दो था उसमें प्रावधान था कि अगर राज्य कोई कंपलसरी प्जिशन करता है तो उसको तीन काम करने पड़ेंगे ए वह एक कानून बनाए बी वह कानून पब्लिक पर्पस के लिए हो सी उसके लिए कंपनसेशन देना होगा ओनर को लेकिन उसके पहले पच्चीसवां अमेंडमेंट था उसमें ही यह कह दिया गया था कि कंपनसेशन की जगह अमाउंट की बात कर दी गई थी तो जब अमाउंट की बात कर दी गई तो उसके एडिक्वेसी पे कोई सवाल नहीं हो सकता अमाउंट और कंपनसेशन में फर्क है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप किसी आदमी को कोई अमाउंट देते हो तो वह उस संपत्ति के मूल्य से कोई संबंध रखे वह आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता इट इज कंप्लीट पैकेज प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी राइट बहुत आया है आपके पेपर में अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन क्लियर हो गया भारत में आप उन्हीं अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हो जो संविधान के भाग तीन में लिखे गए हैं भारत में आप उन्हीं अधिकारों के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 की शरण ले सकते हो जो भारत के संविधान के भाग तीन में लिखे गए हैं अमेरिका में ऐसा नहीं है तो यह अगला एक्सेप्शन होगा इट्स फिफ्थ एक्सेप्शन कि भारत के संविधान में जो अधिकार पार्ट थ्री में लिखे गए हैं उन अधिकारों के अलावा कोई फंडामेंटल राइट right नहीं है जिसके लिए आप जिसके लिए आप बालकृष्ण परिवर्तन क्या रिपीट करना चाहते हो जिसके लिए आप न्यायालय की शरण लो जबकि अमेरिका में जो इन एलिनेबल राइट हैं और अधिकारों के लिए भी आप शरण शरण ले सकते हो इसलिए अगर कोई मूल अधिकार का भारत में विस्तार करना है तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से हो सकता है अगला सवाल वॉट आर द अदर फंडामेंटल राइट्स फ्लोइंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वह कौन कौन से फंडामेंटल राइट right हैं जो संविधान के और भागों से प्रवाहित होते हैं आर्टिकल 265, जो बोलता है नो टैक्स शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ भारत के संविधान में और कौन कौन से अधिकार हैं नॉट फर्नाल टाइट अधिकार जो फ्लो करते हैं फ्रॉम अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 जो क्या बोलता है नो टैक्स शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ कानून की शक्ति के अलावा किसी और तरीके से आप कोई कर इकट्ठा नहीं कर सकते हो दूसरा आर्टिकल 300 ए सॉरी आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए जो बात करता है प्रॉपर्टी राइट की आर्टिकल थ्री जीरो वन subject to the provision of this part trade commerce and intercourse throughout the country of the territory india shall be free देश के अंदर व्यापार और वाणिज्य हर आदमी कर सकता है तो आर्टिकल 265, आर्टिकल 300 ए एंड आर्टिकल 30 ए यह बात करता है कि यह तीन ऐसे अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट तो नहीं लेकिन अधिकार हैं इनको कैसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है इसको प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 आपके लिए उपलब्ध नहीं है अनुच्छेद 226 या जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है लॉ का उसके सहायता से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर के सहायता से या आप आर्टिकल 226 से प्राप्त कर सकते हैं अगला बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट क्या फंडामेंटल राइट right का अमेंडमेंट हो सकता है क्या फंडामेंटल राइट right का संशोधन हो सकता है इसमें आपके पास चार केस हैं चारों केस मुंह जबानी याद होने चाहिए पहला केस था शंकरी प्रसाद का जिसमें कहा गया मूल अधिकारों में संशोधन संभव है वह दूसरा केस आया सज्जन सिंह का उन्होंने कहा मूल अधिकारों में संशोधन संभव है उन लोगों ने आर्टिकल 13 को इंटरप्रेट किया और बोला जो लॉ शब्द का इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल थर्टीन टू में इसको इंटरप्रेट करते हुए कहा कि आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन संभव है उसके बाद केस आता है गोलकनाथ का गोलकनाथ के केस ने इस, इस आधारभूत संरचना को पलट दिया और उन्होंने कहा मूल अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है उसके बाद आता है केस केशवानंद भारती का उन्होंने उन्होंने यह कहा कि मूल अधिकार में संशोधन संभव है लेकिन आप राज्य लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं तो मूल ढांचे का सिद्धांत देख उन्होंने क्या बोला कि आप संविधान आप मूल अधिकार में तो संशोधन कर सकते हैं लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं और जो फंडामेंटल राइट right है यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो चूंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता है समझ आया नाउ लेट्स स्टार्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर राइट टू इक्वलिटी इट इज क्लियर क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर हुआ या नहीं हुआ आर्टिकल 14 टू 18 यह बात करता है राइट टू इक्वलिटी की और आर्टिकल 14 का जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो है सिटीजनस और नॉन सिटीजन इफ यू रीड आर्टिकल 14 यू विल फाइंड दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ सिटीजन और नॉन सिटीजन आर्टिकल 14 में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है जस्ट योर यू एक्ट आप एक्ट पढ़ेंगे तो और अच्छा और मजा आता है जो बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन फिर दो शब्द हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ और यह इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है और जो आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 है यह डिस्क्रिमिनेशन रोकने यह आर्टिकल 14 15 16 तीनों को एक साथ समझने की जरूरत है तभी आप इक्वलिटी बिफोर लॉ का कोई आंसर कर पाओगे अगर आपने तीनों का इस्तेमाल किए बगैर कोई आंसर किया इक्वलिटी बिफोर लॉ पे तो वह आंसर इनकम्प्लीट होगा वह आंसर इनकम्प्लीट होगा तो जो आर्टिकल 14 है वह बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल पर्सन यह अपॉर्चुनिटी कहा और यह आता कहां से है यह ड्राइव करते हैं प्रियम्बिल से जो हमारा संविधान का प्रियम बिल है वहां से क्वालिटी की बात आरंभ हो जाती है और उसके बाद जो आर्टिकल 15 है वह डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है तो आर्टिकल 15 एक अलग कॉन्सेप्ट देता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था आर्टिकल 15 प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंटीजन ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड आर्टिकल 14 बात करता है ऑल पर्सन और आर्टिकल 15 बात करता है सिटीजन की रीड आर्टिकल 15 यह बात करता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन तो 14 बात करता है सबकी 15 बात करता है सिटीजन की तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन सम स्पेसिफिक ग्राउंड 15 में आप तीन चार शब्दों को लाइन करिए एक तो शब्द है ओनली सी फिफ्टीन का फर्स्ट लाइन में सिटीजन और ओनली दो पे आप सर्कल मारिए ओनली ऑफ लीजन रेस का सेक्स प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम। सिर्फ इन आधारों पर तो 15 का स्कोप लिमिटेड है 14 का स्कोप लार्ज है जहां पर सेक्शन आर्टिकल फिफ्टीन अप्लाई नहीं होगा वहां पर आर्टिकल फोर्टीन अप्लाई हो जाएगा इनकेस द पर्सन इज नॉट एबल टू गेट रेमिडी इन आर्टिकल फिफ्टीन

ओपे, आई ऑलवेज चेल कम इन माई क्लास विद बेयर एक्ट एंड द मैप ओनली बिकॉज आई नो विदाउट हेल्प ऑफ दिस टू यू कैन नॉट एक्सप्लेन यू तो आर्टिकल 15 और 14 में यह बहुत इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है तीसरा है आर्टिकल 16, जो गारंटी करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट नाउ यू रीड फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फोर्टीन इक्वलिटी टू ऑल फिफ्टीन डिस्क्रिमिनेशन रोक रहा है यस yes, यस yes, कौसो और सिक्सटीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है अगेन लिसन केयरफुली फोर्टीन बात कर रहा है इक्वलिटी टू ऑल देर नो कंसर्न ऑफ सिटीजन नॉन सिटीजन फिफ्टीन बात करता है कि सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन मत करो और सिक्सटीन क्या बात करता है सिक्सटीन बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो अगर आप फिफ्टीन और सिक्सटीन को आप पढ़ें तो आप पाएंगे दोनों में सिटीजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है और 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की 14, 15, 16, 17। फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17। तो 17 बात करता है एबॉलिश अनटचेबिलिटी। 18 ये बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो इसलिए यह चार के चारों आठ आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन यह इक्वलिटी को अपने अपने ढंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड द इक्वलिटी इन वाइसिस इन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन अगर हम आर्टिकल फोर्टीन को देखें द मीनिंग ऑफ टर्म पर्सन विद इन आर्टिकल फोर्टीन एंड आर्टिकल ज जेंडर न्यूट्रल इट इज ए जेंड्रल न्यूट्रल एंड ऑल्सो कवर्स द ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है जो हमको जिसको हम लोग हिंजड़ा बोलते हैं वो भी इसमें शामिल है जिसको हम मेल फीमेल में काउंट नहीं करते तो आर्टिकल 14 एंड 21 वन आर अप्लीकेबल फॉर इज ए न्यूट्रल जेंडरल इट इज फॉर मेन वोमेन एंड ट्रांसजेंडर ऑल थ्री तो आर्टिकल फोर्टीन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह जो आर्टिकल फोर्टीन है यह फिफ्टीन और सिक्सटीन का जन्मदाता है आर्टिकल फिफ्टीन और सिक्सटीन की जो जो जेनेसिस है जो आरंभ है वह आर्टिकल फोर्टीन से होता है तो आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एक सिंगल कोड को डिफाइन करते हैं यह एक सिंगल एक यह सिंगल फ्रेमवर्क में है जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देते हैं और एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं आप लोग इतना मेहनत से मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग एग्जाम में इसको लिख के आना जरूर मौका मिलेगा इसको छोड़ना नहीं है तो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन क्या है वह सिंगल कोड है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देते हैं और वह एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं आर्टिकल 14 क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंबॉडीड है वह क्या है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन और जब 14 को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इसको हम आर्टिकल 15, 16 आर्टिकल 21 को भी समझने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 यह जो दो आर्टिकल हैं यह हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है यह फंडामेंटल राइट right right को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली हमारे सामने पोर्ट्रे करते हैं और अगर एक सिचुए अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आर्टिकल 15 टू 18 तक फिट नहीं हो पाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को एक्सप्लेन करने में आर्टिकल फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन अगर फेल कर जाते हैं तो आर्टिकल 14 वहां खड़ा हो जाता है यू लुक टू वर्ड्स मी आई एम हियर टू टू हेल्प यू तो आर्टिकल फोर्टीन एक ऐसी आधारशिला भगवान राम की तरह है कि जहां कोई नहीं है वहां मैं मैं आपके सामने हूं तो जो ये गोल सेट आउट किया गया है प्रेमबिल में अब आप प्रियम्बिल से इसको जो है कोरिलेट करिए जो प्रियम्बिल में गोल सेट आउट किया गया है इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को वह 14 से 18 तक उसको पूरा एक्सप्लेन करता है यू मस्ट राइट इथ दिस इन लाइन इन योर पेपर यू मस्ट राइट दिस इन योर एग्जाम प्रियम्बिल में जो समानता का सिद्धांत दिया गया है वह आर्टिकल 14 से 18 में एक्सप्लेन होता है तो प्रियम्बिल से जो समानता का सिद्धांत या अवधारणा आरंभ होती है वह पूरी तरह से अनुच्छेद चौदह से 18 के बीच व्याख्यात होती है अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए जो राइट टू इक्वलिटी को ऑफेंड करता है तो वह इन वह इन वैलिड डिक्लेयर हो जाएगा और ना इधर द पार्लियामेंट नॉर एनी स्टेट लेजिस्लेचर कैन ट्रांसगेंस द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इक्वलिटी अब आप अगर आर्टिकल फोर्टीन देखिए उसमें दो शब्द हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो इक्वलिटी बिफोर जो अंडरलाइन जो अंडरलाइन पर्पस है फोर्टीन कहा इसकी टू ट्रीट ऑल पर्सन सिमिलरली अलाइक हर जो व्यक्ति एक परिस्थिति में है उनको एक तरह से ट्रीट करना अगर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है तो एक तरह से ट्रीट नहीं होंगे अगर एक तरह की परिस्थिति में व्यक्ति है तो एक तरह से ट्रीट करना क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए यह अनुच्छेद चौदह नहीं कर रहा है कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ की आबादी को एक तरह से ट्रीट करो नो यू क्लासिफाई वन क्लास नीड टू बी ट्रीटेड ए लाइक लेकिन क्लासिफिकेशन रीजनेबल हो क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरी न हो तो आर्टिकल 14 एंड अगर 15 को हम एक साथ रीड करें इन द लाइट ऑफ प्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपार हमारे थिंक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के थॉट प्रोसेस को जो डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है बेस्ड ऑन रिलीजन और इन द मैटर स्पेसिफाइड देर इन लेकिन इक्वलिटी कैन कैन नॉट बी अप्लाइड वेन इट अराइज आउट ऑफ इलीगलिटी तो वेन आर्टिकल फोर्टीन सॉ टू बी इन्वॉल्व इन एड ऑफ कंपन अपॉइंटमेंट रॉन्गली मेड अ रियर अगर आपने कोई गलत काम पहले कर दिया है तो वह इससे ठीक नहीं हो पाएगा अगर ज्यादा हो गया तो आज बंद करते हैं क्योंकि आप लोगों की डाइजेस्टिव पावर भी जरूरी है इनकेस यू आर नॉट एबल टू लगता ज्यादा हो गया आई कैन कैन स्टॉप इट जो हमारा जो हमारा प्रोविजन है संविधान का इक्वलिटी का या जो फोर्टीन अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है जो डिक्लेयर करता है नो स्टेट शेल डिनाई टू एनी पर्सन विद जूक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्लास चलाएं या क्लास बंद करें जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्टीन अमेंडमेंट है वहां से एक कॉन्सेप्ट आया है और उसको समझने के बाद संविधान के अनुच्छेद 14 चौदह में दो कॉन्सेप्ट दिए गए इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट नेगेटिव है दूसरा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ए पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब है बिल्कुल नहीं है कि हर आदमी को समान ट्रीटमेंट मिलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है इट इज नॉट ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट इट इज नॉट ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट इट विल चेंज एज द सोसाइटी विल चेंज इट विल चेंज एज द सर्कमस्टांसेस विल चेंज इसलिए किसी व्यक्ति को प्रिविलेज देने के कॉन्सेप्ट का विरोध करता है यह स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि वह इक्वलिटी को मेन्टेन करे इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हमको दी गई है यह डिफरेंट एंड डिस्टिंट कॉन्सेप्ट इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंब्रेसिस टू डिफरेंट एंड डिस्टिंट कॉन्सेप्ट वह क्या है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव प्रिंसिपल्स आप डिस्क्रिमिनेट मत करो अफॉर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं ए लेजिस्लेचर इज इंटाइटल टू मेक ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन नाउ कम ऑन द इश्यू ऑफ ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो आर्टिकल 14 है वह क्या बोलता है वह फॉरविड करता है क्लास लेजिस्लेशन जो अनुच्छेद चौदह है वह, वह क्लास लेजिस्लेशन को फॉरविड करता है लेकिन वह रीजनेबल क्लासिफिकेशन को फॉरविट नहीं कर नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसको वह नहीं रोकता है तो जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाए जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लख हिंदी डिक्शनरी विधायनी वर्गीकरण जो विधायनी वर्गीकरण है विधायनी वर्गीकरण दो महत्वपूर्ण बात को बोलता है इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल और इवेसिव एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन एंड इंटेलिजेंट डिफ्रेंशिया एंड रियल एंड सब्सटैशियल डिस्टिंगशन विधाई की वर्गीकरण का एक वास्तविक एवं तर्क तथ्यपूर्ण आधार होना चाहिए विधायनी जो वर्गीकरण है यह बहुत बार पूछा गया है न्यायालय विधायी वर्गीकरण को वैध मानता है यह कहता है समानतों में समानता हो सकती है असमानतों में समानता नहीं हो सकती है तो इसलिए जो विधायी वर्गीकरण है वह आवश्यक है अगर सरकारी अस्पतालों और निजी के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस से रोक लगाई जा रही है यह विधायी वर्गीकरण है तो इसका दो महत्वपूर्ण आधार है एक विधायनी वर्गीकरण एक वास्तविक और तथ्यपूर्ण आधार पर होना चाहिए दूसरा एक तर्क संगत संबंध उस उद्देश्य से होना चाहिए जिसकी पूर्ति के लिए कानून विशेष का निर्माण किया गया हो सवाल बहुत आता है कि विधायनी वर्गीकरण के क्या आधार होने चाहिए इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी सेकेंड मस्ट है रेशनल और रीजनल मस्ट हैव रेजनेबल एंड रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सड टू बी अचीव्ड बाय द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन इस वर्गीकरण का तर्क संगत संबंध उस उद्देश्य से होना चाहिए जिसकी पूर्ति के लिए कानून विशेष का निर्माण किया गया हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन विद वर्गीकरण एक प्ला एक क्लासिफिक अब यह जो विधायनी वर्गीकरण है इसके बारे में उच्च न्यायालय ने कई बार कहा है इसके लिए कोई मैथमेटिकल प्रसेशन की आवश्यकता नहीं है कोई गलती सूत्र नहीं चाहिए इसके लिए लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वह तर्क संगत हो और कानून के उद्देश्य से साम्यता रखता हो अगर कोई छोटा मोटा डिफरेंस हो तो उस डिफरेंस के आधार पर आप शून्य नहीं कह सकते हैं तो गणती सूत्र नहीं चाहिए लेकिन तर्क संगत आधारशिला होनी चाहिए और जब भी इस बात का निर्धारण किया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि यह अनरिजेबल न हो और कानून बनाने के उद्देश्य से एक संबंध रखता हो अगर कानून बनाने के संबंध से अगर से कोई संबंध नहीं रखता है तो यह निश्चित रूप से यह उचित कदम नहीं कहा जा सकता है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था आपके विधायनी वर्गीकरण को मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग कल फिर स्टार्ट करेंगे आ, कहते हैं आ, अपने आ, आगे के बात पे। तो एक बात और करने की कोशिश करते हैं हम इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करते हैं लास्ट पार्ट इकोनॉमिक अफेयर्स अगर जैसे आप कोल प्राइस को देखें वेरी बड़ा, बड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है अगर एक कोल प्राइस में सब्सटेंशियल इंक्रीज कर दिया जाए उस सब्सटेंशियल इंक्रीज करने का फर्क क्या पड़ेगा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके मूल्य पर फर्क आ जाएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था का सीधा सा सिद्धांत है जो इनपुट लगता है वह आउटपुट की का, की कॉस्ट को डिटरमाइन करता है अगर आपने कोल की कीमत को बढ़ा दिया और उस कोल की कीमत को बढ़ा देने से फिनिश्ड फैक्टर का जो फिनिश्ड आउट गुड्स है उसका मूल्य बढ़ गया तो क्या उस मूल्य के बढ़ने पर कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए आप लोग इस बात को सोच के आएगा इसका हम जवाब देंगे अगले क्लास में कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं वह फंडामेंटल राइट से किस तरह से जल करते हैं मैं आपको एक लीड दे रहा हूं यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकाला है मैंने कि अगर किसी कोल के प्राइस को कोई ऐसी कंपनी बढ़ाती है जो लॉस में चल रही है और कोल के प्राइस को बढ़ा देने से आउटपुट महंगा होगा ही होगा चूंकि इनपुट आउटपुट में एक रिलेशन होता है तो लॉस मेकिंग कंपनी के द्वारा कोल के प्राइस को बढ़ा देना उचित है या नहीं है यह क्लास यह जो विधायनी वर्गीकरण इसके अंदर आता है नहीं आता है मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को बार बार सुने एक बार से ज़्यादा बार सुने जो मेरे साथ मार्गदर्शन के अभ्यर्थी पिछले दो सालों से पढ़ रहे हैं उनको मैंने पहले भी बात कई बार कही है कि अगर आप दोबारा नहीं सुनोगे लेक्चर समझ में नहीं आएगा हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको सिविल सर्विसेज़ के स्टेटस लाने के लिए आई आलवेज यूज अ लाइन स्टॉप लिविंग इन द पास्ट आप जिस तरह से अभी तक पढ़ते थे उस तरह से पढ़ना बंद कर दीजिए उस तरह से सिविल सेवा की परीक्षा पास नहीं की जा सकती है सिविल सेवा की परीक्षा को पास करने के लिए एक बहुत अलग तरह के अप्रोच की आवश्यकता है उस तरह के अप्रोच को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा आपको पता है कि आपकी क्लास अभी तीन तीन चार दिन चल रही है हम लोग क्लास को और बढ़ाएंगे हम टीचर को तलाश रहे हैं अगर टीचर मिल जाएंगे तो कोर्स सौंपेंगे अगर कोई टीचर नहीं मिलता है तो मेरा जिम्मा है आपके कोर्स को कंप्लीट करने का तो आप निश्चिंत रहें टीचर मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो आपके कोर्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे जो 2022 के एस्पायरेंट हैं जो बीए के एस्पायरेंट हैं वह लेक्चर को धीरे धीरे सुने स्टॉप करके सुने दो बार में सुने हमको अगर अर्ली एज के छात्र मिलेंगे वी आर लुकिंग टू तो 2022, 23, 24 कि उसमें हमको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हो जाए तो वी आर सीइंग ए लार्जर परस्पेक्टिव टू हैव सक्सेस सिविल सर्विस में शॉर्ट कट रूट से काम नहीं हो सकता है बहुत मुश्किल से काम होगा और मैं आपको बताता हूँ जो कोर्स में पढ़ाऊँगा उससे आपको सवाल निश्चित रूप से मिलेंगे आप मेरे मार्गदर्शन के अभ्यर्थियों से इंटरेक्ट करिएगा उन लोगों ने अभी तक जितने एग्ज़ाम दिए हैं परीक्षा में ज़्यादातर सवाल आए हैं और सीधे सवाल आए हैं यही आगे भी आपको प्राप्त होगा तो की टेक की टेक केयर विल सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास